पटना पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया कि रुपेश कुमार सिंह की हत्या रोडरेज है। पुलिस की जांबाज टीम ने हत्यारे को पकड़ लिया और हत्यारे के फरार दूसरे साथियों की तलाश जारी है, पर पटना पुलिस ने हत्यारे ऋतुराज को गिरफ्तार करने के बाद हत्या की जो कहानी सामने रखी उससे रुपेश की पत्नी और रुपेश के बड़े भाई सहमत नहीं है। पुलिस की पूरी थ्योरी पर रुपेश के परिजन सवाल उठा रहे हैं। रुपेश सिंह के परिजन यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो हुआ ही नहीं वह कैसे सामने लाया जा रहा है। पहले आपको सुनाते हैं कि पटना पुलिस के सीनियर एसपी उपेंद्र शर्मा ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर को लेकर क्या कहा। मोटिव के माध्यम से अपराधी तक नहीं पहुंचे हैं। हम लोगों ने घटना स्थल से इन्वेस्टिगेशन शुरू करके अपराधियों के निकलने की जगह तक वहां से अपराधी को पकड़ा। अपराधी ने जो मोटिव बताया वो मोटिव चूंकि हम लोगों को याद था कि ऐसी बात एक बार पहले आई थी, तो फिर उसको हम लोगों ने कन्फर्म किया। हम लोग मोटिव को और जो विक्टिम है उसके द्वारा बताए गए कयास को मैच कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये हुबहू मैच करना अगर आप चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। परिवार से जब बात हुई तो परिवार ने इस बात को इंगित किया कि ऐसी एक बात हुई थी। उस बात का होने का जानकारी परिवार को होना एक बात है, और वही बात एक विक्टिम एक जो अपराधी है उसके द्वारा अपने मोटिव के रूप में बताना दूसरी बात है। फॉर अस इट इज इम्पोर्टेंट, फॉर यू इट मे नॉट बी। लेकिन पुलिस हर चीज को देखती है। जब हमारे पास ये मोटिव एक अपराधी बता रहा है और वही बात, क्योंकि जब कोई ऐसी घटना घटेगी तो जिस तरह का व्यक्ति रुपेश था, घर पे जाके आदमी बताता है कि मारपीट हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग बताता है, तो ये बात जानकारी परिवार को हो जाना ये जरूर इस बात को पुष्ट करता है कि ऐसी घटना जरूर घटी। अगर वो नहीं बताया होता तो हम लोग पास इस पर विश्वास करने का और कोई कारण नहीं, बिकॉज दिस इज सच अ ट्रिवियल मोटिव। मैं दोबारा इस मौके पर आपको बताऊंगा कि घटना का कारण स्पष्ट नहीं होने के दो स्थितियां होती हैं। एक कि या तो इतना बड़ा कारण है जो सामने निकल के नहीं आ रहा। हर तबके ने, पुलिस, द एसटीएफ, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीआईडी, स्पेशल मार्च, मीडिया, ओपन सोर्स, जितने लोग हैं सब लोगों ने अपने स्तर से काफी प्रयास किया। मैंने आपको बताया एसआईटी के माध्यम से जितने भी मोटिव्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया से आ रहे हो, चाहे वो ओपन सोर्स से आ रहे हो, चाहे वो हम लोग को मिल रहे हो, चाहे वो परिजनों के माध्यम से मिल रहे हो, चाहे वो शुभचिंतकों के माध्यम से मिल रहे हो, सबको वेरीफाई किया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को लगा कि अगर कान इधर से नहीं पकड़ा रहा तो इधर से पकड़ने का प्रयास करते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द पीओ। दैट इज व्हाई इट टुक 22 डेज, और 22 डेज के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं उसमें हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ती है कि इतने सेंसेशनल केस में विल कुक अप। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग, आप लोग अगर ये चाह रहे हैं खोजना त्रुटियां तो आप खोज सकते हैं, लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एविडेंसेस है, हम लोग के पास व्यक्ति है और व्यक्ति ने कन्फेस किया है। व्यक्ति का जो गतिविधि है वो सीडीआर के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच करता है। जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त इस व्यक्ति का मोबाइल स्विच ऑफ है, वो इसी व्यक्ति का मोबाइल है, क्योंकि उस वो कैफ इसी व्यक्ति का है। हर मर्डर करने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि पहले 10 मर्डर किया हुआ हो। हर गोली चलाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि प्रोफेशनल शूटर ही होता है। हम लोग डे वन से मान के चल रहे थे इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बट व्हेन इट अनफोल्ड्स फॉर इटसेल्फ, जैसा खुलेगा वैसा दिखेगा। दिस इज हाउ इट हैज ओपेंड। और जो 3 अपराधी और बचे हुए हैं उनको हम लोग पकड़ेंगे तो स्थितियां और क्लियर होंगी और इस कॉन्स्पिरेसी जो ये मोटिव बताता है इसको और बल मिलेगा। ये व्यक्ति गिरफ्तार है, इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्योर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाड़ में, ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। फिलहाल अभी तक नहीं आया। इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी, इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पर चला था।
तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। और पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया, ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बना कपड़ा है वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है, उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। ये वापस नहीं आया और तीन फरार नहीं है, इसको आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। अलग अलग जगह पर रहा था, कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं, ये घर वालों का भी बयान हम लोगों के पास है। सर जो मोबाइल ये यूज कर रहा था उसमें आईडी पर अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है, हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर? नहीं, एक सवाल ही नहीं समझे आपका। नहीं मतलब पुलिस के लिए, हाँ, और पब्लिक के लिए। हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है, उससे हम लोग को अलग अलग लेसन मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने चीज़ नोटिस किया होगा कि दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर व्हाट डू वी शेयर। तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है, महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोजल करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए इस जी गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। ये बताते एजिस बैंक में काम करता है, जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। बीए किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से बीए ज्योग्राफी में किया है इसने। 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। नहीं, इसके कहने पे मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंस नहीं है इस वक्त, बिकॉज वो जगह जो है वो सीसीटीवी फुटेज के जद के बाहर है, और समय आज के डेट में 2 महीने से ऊपर हो चुका है उस जगह का। 29 की बात है, 60 दिन से ऊपर हो चुका है। फुटेज होता तो एक अलग बात होती, लेकिन इसका जो मूवमेंट है, इस जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के बाद आया है, मोटिव ये बता रहा है। और इसका मैं अभी आपको बताना चाह रहा था कि इसका आपराधिक इतिहास हम लोग खंगालने का प्रयास किए हैं। ये पटना के किसी जेल में भी फिलहाल जेल नहीं गया है, और हम लोग अन्य जिलों से संपर्क में हैं कि कहाँ से और कहीं ये जेल गया है क्या। इसने खुद मारी है गोली, चले हथियार रखता था, हथियार रखता था। ये हथियार पहली बार इसको कहाँ से मिला, कब मिला? इसने खरीदा है हथियार, ये हथियार रखता था, हथियार रखने का शौकीन है। अच्छा। इसके फैमिली मेंबर्स को भी जानकारी कि हथियार रखता था। इसने जिंदगी में पहली बार गोली चलाई, पहली बार। अभी तक हम लोग अनुसंधान के हिसाब से, अभी जानकारी के हिसाब से, इसने पहला मर्डर किया है अभी। हाँ, मतलब गोली भी पहली बार। ये अभी तक मैंने बताया कि पटना में और किसी केस में ये जेल नहीं गया है। अच्छा। और जिलों में इसका आपराधिक इतिहास देखना होगा, कभी जेल गया है क्या। अच्छा, एक ही पिस्टल, नहीं ये हम लोग नहीं कह सकते अभी, बिकॉज ये तो एफएसएल से मैच कराना पड़ेगा। नहीं, 6-4-10 नहीं ना, 6 ही गोली है, 4 तो इसके बाद बरामद हुआ। हाँ, ये चलाया है गोली, ये चलाया है। ड्राइव नहीं ये कर रहा था, इसके सामने वाला लड़का था जो मैंने आपको बताया, जो चली टाण का लड़का है, वो ड्राइव कर रहा था, ये पीछे बैठा था। मैंने आपको बताया अपाची में ये पीछे बैठा था। सर गाड़ी का जो आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, उसमें क्या गाड़ी पर कोई डैमेज हुआ था? परिवार वालों ने कुछ बताया कि उन्होंने गाड़ी सर्विस सेंटर में बनवाई थी या कहीं प्राइवेटली बनवाया था उसको? नहीं, परिवार वाले बताते हैं कि डैमेज हुआ था, ये बताता है कि डैमेज नहीं हुआ था। इसका कहना है गाड़ी पर आपको डैमेज? नहीं नहीं, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, अब तो गाड़ी रिपेयर हो चुकी है। तो ये इसके अनुसार एक्सीडेंट मरते मरते ये बचा था। दोनों गाड़ियों ने बहुत ही जो होता है जर्क ब्रेक मारा था, उसके बाद वो कहा सुनी हुई थी और लपथ थप्पे की बात हुई थी। चांसेस हैं, सीडीआरस हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मोटिव से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। हम लोगों ने अपराधी को पहले पकड़ा है, ये अपना मोटिव बता रहा है। इसका जो बैकग्राउंड है मैंने आपको बताया, देयर इज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट सो फार। हम लोग अन्य जिलों से संपर्क कर रहे हैं और इसका आपराधिक इतिहास निकालने का प्रयास करेंगे। बाकी तीनों लोगों,
हत्या करेगा या मर्डर करेगा वो शार्प शूटर, मतलब जिस तरह से आप लोगों ने शुरू में कहा कि शार्प शूटर ने मारा, हम आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन डिटेल शेयर कर रहे हैं, घटनाक्रम शेयर कर रहे हैं, जिस तरह से केस खुला है वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी जो है वो कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे वो शेयर कर रहे हैं, अपराधी ने क्या बताया वो शेयर कर रहे हैं। यस, मैंने आपको बताया, ये कन्फर्म हुआ है ये बात, मैंने आपको अभी बताया कि धुंधली बात शुरू में आई थी, परिवार वाले ने दो मोटिव बताया था, एक टेम्पो वाला बताया था, एक बार ये बात आई थी कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कोई लड़के पीछा किए थे, बट वॉज सो ट्रिवियल मोटिव टू फॉलो, दैट इज़ वाई मैंने आपको बताया दो टीम काम कर रही थी, SIT जो हम लोग ये काम कर रही थी, जितने मोटिव्स आ रहे थे उसके पीछे लगी थी, ऑफिसर्स में जाना, लोगों से पूछताछ करना, उनका CDRs देखना, उनके गतिविधियों को मॉनिटर करना, कोई राइवलरी देखना, ऐसे घटनाओं में जनरली जो मर्डर के केसेस होते हैं या तो नेम्ड होते हैं या अज्ञात होते हैं, अज्ञात होते हैं तो परिजनों को प्रायः ऐसी मोटिव बहुत क्लियर होता है, जब मोटिव क्लियर नहीं होता है तो या तो मोटिव इतना बड़ा है कि उसको क्लियर करने से दबाया जा रहा है या मोटिव इतना छोटा है कि ऊपर के निकल के नहीं आ रहा। महीना भर की बात है, नहीं वो पकड़ाने में पता चलेगा, ऐसे अभी ये पकड़ा गया फिर भी हम लोग को पटना जिले में कोई केस नहीं मिला है, दूसरे जिले से संपर्क करना पड़ेगा तब पता चलेगा, उनको हम लोग पकड़ लेंगे तब पता चलेगा। अमूमन इस तरह की घटना में तात्कालिक कारण होता है, एक मिनट रुकिए ना, हम कोई पूछ लेंगे ना आपके सामने, आपको लगता है कि जो देखिए एक व्यक्ति विशेष की मनोस्थिति, उसका अपना इमोशनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते, जो व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ा है उस व्यक्ति के पास से जो एविडेंसेस हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन दौरान आए थे वो बरामद हुए हैं, उसके अलावा उसने हम लोगों के सामने कन्फेस किया है, आप लोग उससे पूछताछ करना चाहिए तो आप लोगों के सामने भी वो आएगा, आप लोग से बात भी कर सकते हैं। ऐसे कोई घटना पहले भी हुई है क्या आपके? नहीं, हम लोग दो घटनाओं को रिलेट नहीं, एवरी घटना इज ए इंडिपेंडेंट घटना, हर घटना अपने आप इंडिपेंडेंट, हर घटना का इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होता है, किसी को हम लोग कोरिलेट नहीं कर सकते। नहीं, उस रात अपने घर पर सो गया था, अपने डेरा पर सो गया था और अगले दिन ये आदमी रांची की तरफ भाग जाता है। नहीं, ये अकेले अपने डेरा पर गया था, इसने सगुना मोड़ से उन लड़कों को छोड़ दिया था, अपाची पर से उतर गया था और ये ऑटो से घर पहुंचा था, वो तीन लड़के, अपाची वो ड्राइवर था वो लेके चला गया, अपाची का ड्राइवर था, हाँ दूसरा नहीं, दूसरा आदमी तो चला ही रहा था। साकेत का क्या लिंक है? साकेत वही लड़का जिसे घर पे गया था अलका कॉलोनी में। मनोरंजन, इसकी पत्नी को कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानकारी, इसकी पत्नी को नहीं, नहीं। व्हीकल जहां पे रिपेयर हुआ है उस जगह से इसको वेरीफाई कराया गया है कि व्हीकल वहां पे रोड रेज के बाद वहां पे रिपेयर कराया गया था? व्हीकल रिपेयर हुई है, ये फैमिली ने हम लोग को दिया है, फैमिली बता रही है एक्सीडेंट हुआ था, व्हीकल के रिपेयर शॉप से ये नहीं पता चलेगा कहां पे एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, लेकिन ये तो पता चलेगा सर, हुआ था कि ऑफ कोर्स हुआ था, वो तो है। रुपेश हत्याकांड के खुलासे पर उनका परिवार यकीन नहीं कर पा रहा है। परिवार यह सुनकर हतप्रभ है कि रुपेश को रोडरेज की एक मामूली घटना के चलते इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। रुपेश की पत्नी नीतू सिंह और भाई नंदेश्वर सिंह ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इतने बड़े सामाजिक आदमी की हत्या के पीछे इतनी छोटी वजह होगी, यह बात पचने वाली नहीं है। हालांकि पत्नी नीतू ने इस बात की पुष्टि की कि नवंबर में रुपेश की गाड़ी का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी पर हल्का खरोंच लगा था, लेकिन रुपेश गाड़ी से उतरे तो वो भाग चुका था, उनकी किसी से हाथापाई या बहस नहीं हुई थी। सुनिए रुपेश की पत्नी नीतू सिंह क्या कह रही हैं। हुआ होगा, बहस भी नहीं हुआ है। 29 तारीख की घटना है ये, 29 के बाद आप लोग 7 तारीख को साथ गोवा घूमने गए थे? 7 को गए थे। और इतने दिन तक तो कोई घटना नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब आप क्या चाहती है, जब पुलिस इस तरह की थ्योरी पेश कर रही है और कह रही है कि मामला खत्म हो गया, तो अब नहीं, आप क्या हमको संतुष्टि नहीं है, हमको न्याय चाहिए। आपको लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ आपके? नहीं, न्याय नहीं मिला हमको अभी। अरे पुलिस जो थ्योरी दे रही है उस पर आपको गलत नहीं, भरोसा नहीं है? तो आप क्या मतलब किससे आप गुहार लगाएंगी? अब पुलिस ने तो अपनी जांच पूरी कर ली, SPA साहब से बोल रहे हैं। SP साहब की बातचीत हुई है कि नहीं? नहीं, हमसे तो नहीं हुई है। नहीं, हमसे नहीं हुई है।
रुपेश सिंह की पत्नी नीतू सिंह ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रुपेश सिंह की हत्या इतनी छोटी वजह से कर दी गई। आरोपी ऋतुराज झूठ बोल रहा है। नीतू सिंह ने कहा कि इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। उन्होंने आज तक अपने पति का किसी से झगड़ा नहीं सुना। उन्होंने कहा कि यह बात विश्वास करने योग्य नहीं है। रुपेश के भाई नंदेश्वर सिंह ने कहा कि पुलिस का खुलासा गलत है, यह वे नहीं कह सकते, लेकिन जो वजह बताई जा रही है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। वे कहते हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपी को पकड़ लिया है तो वे निश्चित ही सबूतों से अपनी बात को प्रमाणित करके उन सबको संतुष्ट करेंगे। लेकिन उनके भाई रुपेश ने कभी ऐसे किसी रोड रेज की घटना का जिक्र उनसे नहीं किया था। रुपेश किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, इस पर भी किसी को यकीन नहीं होगा। वो भी एक बाइक चोर से उनकी ऐसी झड़प होगी कि उन्हें बेरहमी से मार डाला जाएगा, यह बात पच नहीं रही। सुनिए रुपेश के भाई नंदेश्वर सिंह क्या कहते हैं। कहा जा रहा है कि परिवार के लोगों को भी जानकारी थी किस तरह का किसी से झंझट है इनका, तो कितना इस दावे में अब सच्चाई? नहीं नहीं नहीं, परिवार के लोग इस मामले की जानकारी नहीं थी, और ये सब जो भी बात आ रहा है इस सब बात को हम लोग को नॉलेज नहीं है। परिवार में ऐसा कोई घटना नहीं थी, रोड रेज की बात था, और इतनी छोटी बात के लिए इतना बड़ा हत्या नहीं हो सकता है, तो हमारा ध्यान में बात नहीं आ रहा है। लेकिन अब सरकार के आले अधिकारी इसको कर रहे हैं तो ठीक है, सरकार के आले अधिकारी के पास ऐसा कोई अपना एविडेंस होगा तो वो एविडेंस मीडिया में अपना बयान करेंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई जानकारी नहीं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि घटना रोड रेज में हुई है और उसकी जानकारी आप लोग को है? नहीं, ऐसी कोई घटना रुपेश जी के साथ कभी हुई हो? कभी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं आया है। कोई बात पुलिस आप लोगों से पूछताछ की हुई थी, आप लोगों ने ये बात बताई थी क्या उनके साथ? नहीं नहीं, पुलिस SIT टीम आई थी, CID टीम आई थी, सब लोग आए थे यहाँ, लेकिन हम लोग से ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हम लोग ऐसा बताए नहीं, हम लोग पुलिस से यही बोले हैं कि उनका कोई ऐसा झमेला नहीं था, न हम लोग के नॉलेज में बात था कि हाँ उनका कोई उनसे झमेला था और या कोई उनका लफड़ा था या किसी से उनका अपना पर्सनल द्वेष था, दुश्मनी था, ऐसा हम लोग के नॉलेज में, हमारे परिवार के, उनके पत्नी के तक नॉलेज में नहीं है। वो भी शेयर की है मीडिया में, पुलिस में, कि हम लोग के नॉलेज में ऐसा नहीं है। अब पुलिस इस बात को कह रही है तो उसको कहाँ से एविडेंस मिल रही है कि यहाँ परिवार के लोग की जानकारी है, तो उसको नहीं पता। अच्छा, अगर पुलिस ऐसा बोल रही है तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इस मामले को दिशा बदलने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? यही देखिए, पुलिस इस मामले को यदि कह रही है दिशा बदलने वाली बात आप लोग कह रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार के आले अधिकारी हैं, सरकार है, पुलिस यदि दिशा को बदल देगी तो कहीं ना कहीं से तो एविडेंस ला कर रखेगी ना। ऐसा नहीं ना है कि अपराधी, हम अपराध नहीं किया है तो हमको अपराधी घोषित कर दिया, अपराधी तो मिलना चाहिए। इतनी छोटी बात, इतना बड़ा हत्या, ये तो हमारे जेहन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि रोड का बात यदि हो रहा है तो ऐसा ऐसा तो बिहार में झगड़ा होता है, बहुत होता है, चलते चलते लोग का हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा हत्या और ये जो हत्या करने वाले हैं आकर एकदम जान से मार देने वाली स्थिति में आए थे, 10-10 गोलियां मारे हैं, ऐसा तो हमको नहीं हो रहा है। लेकिन अब सरकार कह रही है, पुलिस विभाग कह रही है, तो पुलिस विभाग इसको सामने लाए, यही करेगी, अपना समय से उसको जांच पड़ताल कर रही है और सच्चाई का तह तक जाएगी कि हाँ सच्चाई क्या है, किस लिए इसका हत्या हुआ है, क्यों ये घटना हुआ है। हम लोग तो जानने के लिए इच्छुक है कि आखिर रुपेश जी यदि सामाजिक लड़का थे, समाज के लिए चाहते थे, समाज के लिए जीते मरते थे, तो फिर उनका दुश्मन कैसे हुआ, और दुश्मन हुआ तो इतना बड़ा दुश्मन हो गया कि हत्या करने पर उतारे हो गया और एविडेंस को ख़त्म करके गया कि रुपेश जी अपना बयान तक नहीं दे सके, तो रोड रेपी का बात होता तो इतना बड़ा मामला सामने नहीं आता और इतना बड़ा हत्या नहीं आता। लेकिन अब पुलिस कह रही है तो हम मान कर चल रहे हैं, पुलिस अपना एविडेंस, आप लोग एविडेंस का इंतजार है आप लोग? हाँ, एविडेंस देगी कि यहाँ परिवार के लोग जानते हैं। तो अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं आज का जो बयान? हम लोग यही चाहते हैं कि सही अपराधी को निकाला जाए। बहरहाल पटना के SSP कहते हैं कि घटना की ऐसी छोटी वजह सामने आने के बाद वे खुद हतप्रभ हैं। रुपेश से अपने परिचय और अक्सर होने वाली मुलाकातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रुपेश के पास
फोरम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोड रेज की घटना और अपने जान पर किसी किस्म के खतरे के बारे में कभी जिक्र रुपेश ने उनसे नहीं किया। इस पर भी उनको हैरानी हो रही थी। लेकिन आरोपी को पूरे सबूतों के साथ गिरफ्तार किया गया है, इस बात पर वो जोर दे रहे थे। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने कहा कि इस केस में पुलिस पहले अपराधी तक पहुंची है। इसके लिए 20 दिनों तक कड़ी मशक्कत की गई। करीब 200 सीसीटीवी कैमरों, 4000 सीडीआर, 600 जीबी डाटा को खंगाला गया। पुलिस ने आरोपी ऋतुराज के पास से कत्ल में इस्तेमाल बाइक, उस समय पहने कपड़े, हथियार और अन्य कई सबूत बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे बाइक पर बैठे शख्स के रूप में हुई है। उसके चेहरे का मिलान सीसीटीवी फुटेज में कैद तस्वीरों से हुआ है। पर सवाल है कि इतनी मेहनत और काफी मशक्कत के बाद हत्यारे की गिरफ्तारी की बात से परिवार सहमत क्यों नहीं है? क्या पटना पुलिस की थ्योरी और गिरफ्तारी महज एक फ्लॉप फिल्म और बेसिर पैर की स्टोरी है जिस पर पटना के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपराधी को सामने लाने का तरीका यही बिहार के डीजीपी के स्तर पर होता तो शायद बात कुछ और होती। क्योंकि जिस मर्डर को सुलझाने के लिए 3 सीनियर आईपीएस, 3 डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर सहित दर्जनों पुलिस के तेज तर्रार कर्मी लगे हों और बावजूद लोग यकीन न करें, तो सवाल तो लाजमी है। खुलासा के लिए पटना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट।